सूरज से कहती है, बहना तू नाराज मत हो, तू जो मुझसे कहेगी ना मैं वही करूंगी। एक आवाज दे, कहा जाओ अगर मेरी पालकी महल के अंदर जानी है तो आज मेरे जीवन की तुझे तीन शर्तें माननी पड़ेंगी। सुनीत ने कहा स्वीकार। कौन कौन सी? पहली शर्त, आज ही ये राजमहल तुझे छोड़ना पड़ेगा। सुनीत ने कहा स्वीकार है, आखिर तू मेरी बहन है ना, और आज के बाद तुझे केवल एक शेर बेजर मिलेगा, और उस एक शेर बेजर को खाकर अपने जीवन का यापन करेगी, जीवन यापन को करेगी, लेकिन किसी के द्वारा भिक्षा मांगने नहीं जाएगी। कहा स्वीकार है। और जब तीसरा स्वरूप आया तो उसी समय कहा जाओ तीसरे स्वरूप में आज के बाद उस महाराज की छाया भी तेरे जीवन पर कभी पड़नी नहीं चाहिए, ये मुझे तीन वचन चाहिए। जो ही राजनी सुनीति ने सुना, आज सुनीत के हृदय में मानो बाण सा लग गया। सुनीति नेत्रों से जल बहने लगा, चरणों में गिर गई। सुरुचि से कहती है, ओ सुरुचि मुझे क्षमा कर दे, मेरे जीवन से तेरी दोनों शर्तें तो मान्य है, मैं एक सिर बेजर खाकर उन्हीं बेजर के दानों को खाकर गुणगान भगवान का कर लूंगी, किसी के द्वार नहीं जाऊंगी, आज ही मैं राजमहल का त्याग कर दूंगी। लेकिन ओ मेरी राजी राजरानी, अरे ओ सुरुचि, एक बात तू मुझसे कभी मत मांग, मुझसे मेरे प्राण मांग ले, लेकिन मेरे महाराज को मत छीन। आज चरणों में गिर जाती है, चरणों में गिर करके कहती है, क्षमा कर देना मेरे महाराज, मेरे जीवन के प्राण हैं, और मेरे महाराज के जीवन में मैं उनके लिए समर्पित हूं। आज तक मैंने उनके जीवन के बिना अपना जीवन एक पल भी नहीं गुजारा। मैं तेरे कारण, तेरे हेतु में स्वयं अपने महाराज का दान करके चली जाऊंगी, परंतु आज चरणों में फपक फपक कर रोती है, मेरे पति को मेरे जीवन से मत छीन। ऐ मेरी सुनीति, धन्य है तेरा जीवन, निज पति को दान करके स्वयं पति की भिक्षा मांग रही है। धन्य है ऐसी सुनीति, धन्य है ऐसी सुनीति, निज पति का दान करके भी निज पति के लिए सुंदर सी भिक्षा मांग रही है। मेरे पति को मुझसे मत छीन, सुरुचि को दया नहीं आती।